सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और देखो आप तो कई बार गौशाला की वीडियो दिखाई है, सारी गौशाला कवर करते रहे, दिखाते भी रहे हैं, लेकिन आज मारी गिल्ला है विजय कुहाड़ भाई है। और विजय कुहाड़ भाई कुछ अलग हट का काम करना लग रहा सब तय। देखो भाई की उम्र जो पढ़ण की हो है, कमाई करने की हो है भाई ने, और क्या इमें दे दी मतलब या अपनी उम्र, मतलब एक जो विकलांग गौ है तो उन तय संभालन में उनमें तो मतलब घर क्या ने इस चीज़ का विरोध भी कराया होगा कि किस प्रकार तय। ये पीछे आप देखने लग रहे हो कि गाय बन रही है, और ये गाय है जो मतलब चोट फेट लग जाए या किसी का कोई दिक्कत हो है तो उन गाय ने लेकर ठीक करने का काम करा है भाई। तो भाई पे पूछेंगे कि क्या समस्या आवे है। राम राम भाई। राम राम भाई। सबसे पहले तो आपके चैनल से जो आपके फॉलोअर सबको जय गौ माता की, और राम राम। तो भाई ये वो काम कब तक शुरू कराया है? ये हमने जनवरी की 20 तारीख तक शुरुआत करी थी इस गौ सेवा की। विकलांग गौ लियाँ हाँ आस पास तक गाँव तो उठा के ना उसका ठीक करे, और वहीं जहाँ तो लिया वहीं छोड़ देते हैं। तो भाई घर कहना न्यू नहीं किया छोरे यू के काम शुरू कर दिया नुआ? देखो बे जो थोड़ा परिवार तो समाज तट के काम करे है, कोई अच्छाई का काम करे है तो सारे विरोध करया करे। गंदा काम करा इंस्टाग्राम पर नाचान सांग करा तो कोई को नहीं विरोध करे। घर क्या ने विरोध करे भाई, बाड़क हो रहे है ब्याह दिया थे दिया अच्छा काम कर भाई गौवा की सेवा करे तो नगर आके तो जोड़ा लग गया लेके देखा कौन है तो गौवा की सेवा करेगा। तो मेरे दिल में था कि मैं कुछ अलग करूँ, समाज में अच्छाई लाऊँ, पहल करूँ, तो मैं ना इसलिए अपना एक लक्ष्य चुनिया। मैं सब सोधन भगवान ने दे रखा, बुढ़िया ने दे भाइया ने सात परिवार ने सब कुछ छोड़ गए तो मैं अच्छा काम करूं और सेवा करूं। तो भाई मतलब खुद की ज़मीन में अपना अपनी खुद की ज़मीन में अपन शुरुआत करी है। अभी अपनी पर्सनल जगह थी, अपने जो बुढ़े बुजुर्गान बना के दे रखी थी उसमें कराया है। इब अपना रजिस्टर्ड करवा लग रहे हैं, धीरे धीरे अपने एक साइड में ले जावांगे, फिर और भी अच्छे तरीके से एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा करके ना अच्छे तरीके से सेवा करेंगे। तो भाई ये मतलब कितनी गाय का इलाज करवा लिया? हमने भी कम से कम 20-22 गौवा का इलाज करवा दिया। 5-7 अपने प्राण भी छोड़ गई। अच्छा। और 5-7 अपने पास बंद भी रही। तो भाई जो ठीक हो जाइए फिर वापिस छोड़ दो? हाँ वापिस छोड़ दें, क्योंकि अपने पास इतनी जगह नहीं है, अपना इतना अभी इनकम का कोई साधन नहीं है, अपना जितना अपना जुगाड़ है अपना सेवा का दिल की संतुष्टि उतना आप करते चले जा रहे हैं। तो भाई एक बात तो मेरे जरूर समझ में आई, घर कहना जरूर कही होगी जो घर आज जोड़ा गाल के देखे नहीं, और फिर जो 5-7 गो बांध ले और गेले उनकी सेवा करे तो घर कहना तो कहनी है कहनी है। अगर कहना भी कहनी है, अपना जो रिश्तेदार थे थोड़े मामा बुआ वे भी इतना के कर लिया अच्छा काम, कौन मांगण खाने का काम टो लिया, चलो मैंने कर किसे की कौन सुनी, सबकी सुना तो परिवार में समाज की गाड़ की तो गाड़ में भी कौन लकड़िया जावे। ये तो दुनिया है भाई, अच्छा का भी कौन और माड़े का भी कौन। ये भाई ये गाय है जो अपने छोटे छोटे बछड़े भी हैं 2-3 और ये भी हैं, तो मतलब ये कितने दिन तक अपने पास में? ये जो बच्चा है इससे एक महीना हो गया, इसकी कुल्ली टूट रही थी, धीरे धीरे छोटा बच्चा का मांस चढ़ जाए, इसकी कोई वहाँ इलाज को नहीं, धीरे धीरे एक्सरसाइज करवाई हमने और अच्छा। भाई थे गौ सेवक उनसे एक्सरसाइज कराई, धीरे धीरे खड़ा होने लगे चलन भी लग गया। ये खरक पुनियात आई थी, इसका अगर जख्म था धीरे धीरे ठीक हो गया। अच्छा 2-4 बैल आए थे, वे अपने जो गरीब इंसान है जो खेती कर रहा है जिसका जुगाड़ को नहीं मोटरसाइकिल की रेडी का तो रेडी होगी घर घर। पहले तो अपने बुजुर्ग थे बग्गी चला कर दे घर, एक एक दो दो बैल रखा कर दे बाड़ी आलन ने, ये भी अपने इसे मोटरसाइकिल का मारे की नए नए बाड़क और अपने रोटी लिया हुआ जो बुजुर्ग है वो एक आधा ले गए भाई ले जाओ यूज करो अपना, जब नहीं तारा सारा हो जब अपना छोड़ दियो चरा लिया। तो भाई इनका इलाज क्यों करवाओ? इलाज भाई डॉक्टर है अपने पास, एक तो गाँव का बिंदर सिया बिंदर काली रामना, एक मैजत से अपना कृष्ण कुमार डॉक्टर, वो अपनी बहुत अच्छी हेल्प करें ना, अपने कोई पैसा लेंदा आप दुआई ले आवा हाँ कुछ वे भी लगा देना, अपने बाजू कोई पैसा कौन लिया पैसा कौन लेता हाँ। तो भाई जो इनका नैर फूस है चारा चूरा कौन डाल है? नैर फूस हम भी डाल दें, ये अपने जो लेबर वाले ये भी डाल दे ये भी डाल दे हैं हाँ। मतलब बढ़िया हम बढ़िया देखभाल कर रहा हूं, एक बार चारा दिखा दूं आपने मतलब किस प्रकार का चारा डाल रखा है, मार तो नहीं देंगे भाई? ना मारूंगा, हमारा कोने देखिए छोटा खान लग रहा है, और ये बैठे रहो भाई बैठे रहो, ये देखो मतलब जवार और थोड़ा मतलब बेकन है बहुत सुतरी तरी यार, ये खान लग रहे हैं टर्मक से के ऊपर देखने लग रहे हैं, तो मतलब इन्हें ज्ञान आ रहा है खास सुतरी शानी में लग रही है। तो काका और है राम राम का? राम राम। क्या नाम का? धर्मजीत। धर्मजीत तक का जब विजय भाई ने यो चीज यो शुरू करी तो कैसा लग गया? जो शुरू में तो ये समझाया फिर जो नहीं मनया मैं करूंगा वहां पे कर ले भाई कर ले हां पे किमे से होगा हम इसका गिल्ला में दे जाए मतलब ये ठीक चल रही है बढ़िया सेवा कर रहे हैं मतलब इस काम में या उम्र तक मतलब काम धंधा करने की समझाया फिर कौन यो नुबदा नाम तो करूंगा करवाएगा हां मैं करेगा तो कर दे भाई। अच्छा हां तो भाई बढ़िया तरीका संभालेंगी देखभाल कर रहे हैं ई कोई टेंशन को नहीं बिल्कुल देखो का सेवा करे तो सुतरी तरीका है वो चला लेगा हां। तो भाई मतलब और कुछ कहना चाहोगा कुछ संदेश देना चाहोगा? मैं तो सभी पंचायत और अपनी खापों तो यही निर्णय
सूचना डालना निवेदन है कि अपने अपने गाँव में विकलांग सेंटर या छोटी छोटी गौशाला करे, सरपंच बने। जब तो बड़े बड़े ऐलान कर दे, महल बड़े 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 ऐलान कर दे, पैर के धोले कुर्ते सिटे, जब गऊ हमारी माता है। एक माता कहने से काम नहीं चलेगा, किताबों में पढ़ाया जाता है, बुढ़िया ने बताया हुआ गऊ हमारी माता है, इस माता का ठोकर खावे माता, माता जननी माता, भारत माता, गौ माता, धरती माता, यही माता बताई गई है। इस माता की इतनी दुर्गति हो रही है कि अध से भी ज़्यादा। मैं तो इन सरपंचों तक, अरे इन पंचायतों तक, अरे एमएलए तक यही कहूँ हूँ कि भाई साहब अपने अपने गाँव में पंचायती जमीन में ना या कोई युवा जागरूक हो कि अपने अपने छोटे छोटे वकीलाद किला में 10-20-50-100 गाँव रोकने का काम करें, उनकी सेवा करने का काम करें। सबसे बड़ी बात तो यही है, समाज का काम है, परिवार का, इसमें सारा समाज में रहना, अच्छे बुराइयों से दूर रहना। बिल्कुल। तो देखो ये भाई ने एक छोटी सी पहल कर रखी है विकलांगों शाला की, मतलब यार जब ठीक हो जाए इनको तो इन्हें छोड़ दे है, जब ये अट्टी कट्टी हो जाए इनका कोई दिक्कत हो है, तो ये भी इस प्रकार से लियाई गई थी कि इनका दिक्कत थे, किसी का जख्म हो रहे थे, किसी की टांग में दिक्कत हो रही थी, किसी के खुर में थे, मतलब इन्हें परेशानी थी, तो ये भी इनकी परेशानी दूर कर दी जाएगी और बढ़िया ये चारा खान लग रही है। तो इस पहल के बारे में, विजय भाई के बारे में आपका क्या कहना, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि जो रोडा पर गाय फिरे जा है वो भी मतलब चोट फेट लग जाए, जी पड़ जाए है, कीड़े पड़ जाए, बुरा हाल हो जाए, कोई संभालने वाला नहीं होता। तो ये भाई की पहल के बारे में क्या कहना, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करना है कि और भी कोई युवा इस तरह से जागरूक हो और इस प्रकार से थोड़ी ही हेल्प करेगा यहाँ की, और आगे फिर दिखाते रहेंगे एक अच्छी पहल इसी प्रकार की। जय हिंद।